Isn't it amazing that some products ticks all the right boxes of your checklist? Jeju Hair Ritual by an Indian Korean brand, Pilgrim. पहला प्रोडक्ट है ये शैम्पू जो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है. एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस हेयर मास्क विच इज अगेन सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, बट इट इज़ अ हेयर मास्क विच मीन्स कि आप इसको पूरी तरह से एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो एंड नॉट जस्ट अ कंडीशनर. लेट्स सी हाउ टू यूज़ इट. एज यू कैन सी मेरे बाल बहुत गंदे हैं, तो मैं सबसे पहले शैम्पू करके अपने बालों को क्लीन करने वाली हूँ. द स्मेल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ रियली गुड एंड द कॉम्बिनेशन रिटेल्स एट 999 फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स, 200 ml ऑफ शैम्पू एंड 200 mg ऑफ हेयर मास्क. एज यू कैन सी द शैम्पू इज़ रियली नाइस एंड क्लैरिफाइंग. द शैम्पू डिड अ ग्रेट जॉब, काफ़ी अच्छे से लेदर हुआ, काफ़ी अच्छी स्मेल थी और काफ़ी आसानी से निकल भी गया. मूविंग ऑन टू द हेयर मास्क, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है बिकॉज एज यू कैन सी इट्स अ बिग बिग जार, बट द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज़ कि जितना बड़ा जार है उतना सारा प्रोडक्ट भरा हुआ था, जो बहुत सारे ब्रांड्स मिस आउट कर देते हैं एंड फ्रेंकली इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. नाउ इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, आपको पता होगा कि मैंने कंडीशनर यूज़ करना बंद कर दिया है बिकॉज मैं इस तरह के हेयर मास्क यूज़ करती हूँ. कंडीशनर आपके स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाती है, बट विद मास्क इट्स कम्प्लीटली उल्टा. आपको मास्क को एग्जैक्टली अपने स्कैल्प पे लगाना है टू नरिश, एंड दैट इज़ वॉट आई फाइंड अमेजिंग. कंडीशनर मेरे कर्ल्स को वे डाउन भी करता है, बट मास्क रियली हेल्प. ऑफकोर्स यू कैन कीप इट इन अ बन और यू कैन पुट अ कैप सो दैट इट्स हीटेड अ लिटिल. एंड एज यू कैन सी आफ्टर द वॉश मेरे कर्ल्स आर एक्सट्रीमली डिफाइंड एंड नाइस. आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद द प्रोडक्ट. और अगर आपको ट्राई करना है तो आई एम गोइंग टू लीव अ डिस्काउंट कोड. ऑल इन ऑल प्रीमियम प्रोडक्ट है विद गुड पैकेजिंग एंड अ वेरी गुड शेल्फ लाइफ. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप यूजिंग इट. आप इसके और बहुत सारे यूजेज मेरे इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकते हो बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ रील आउट ऑफ हाउ टू यूज़ दिस हेयर मास्क. Let me know अगर आपको ये review पसंद आया है, because I have planned a lot of reviews for June and July, and I'll see you in my next video. Bye.